हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप अपना आइसक्रीम फूड ट्रक कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम फूड ट्रक को खोलने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस किस तरीके से आइसक्रीम का फूड ट्रक खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना है आइसक्रीम का फूड ट्रक खोलने का, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, अगर आप फूड ट्रक में नहीं करना चाहते, आप शॉप में भी कर सकते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीन्स आपको चाहिए होंगी, कितना इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही मैं दोस्तों रिक्वायरमेंट्स भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि लाइसेंस आपको कौन कौन से चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं इस बिजनेस की सारी प्रो टिप्स आपको बताने वाला हूं, पर्सनल ओपिनियन आपको देने वाला हूं, और साथ ही मैं इस बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं दोस्तों उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम बता के आपको छोड़ दूंगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताऊंगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करूंगा कि भैया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों फूड ट्रक है, यानी कि आइसक्रीम फूड ट्रक है, उसमें भैया दो तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कि दो मेथड्स होते हैं बेसिकली आइसक्रीम फूड ट्रक को चलाने के। एक तो होता है भैया, मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आपने बनी बनाई आइसक्रीम खरीद ली और सेल करना शुरू कर दी, मतलब कोन खरीद ली आपने, स्टिक वाली आइसक्रीम खरीद ली और कुल्फी खरीद ली, बनी बनाई आपने खरीदी, डीप फ्रीजर में रख ली, पूरी रात डीप फ्रीजर को चला के रखा और पूरे दिन बेचा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा दोस्तों, आप गैलन्स ले सकते हो जो कि 5-5 लीटर की आती है। पुरानी वीडियो में मैंने गैलन्स के प्राइस बताए, सब कुछ बताया। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आप वो गैलन्स भी ले सकते हो जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में मिल जाएगी, जैसे कि बटर स्कॉच हो गया, वेनिला हो गया, चॉकलेट हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ब्लैक करंट हो गया, इस तरीके के बहुत सारे, राजभोग हो गया, अमेरिकन आइसक्रीम हो गया, बहुत सारे फ्लेवर्स में वो मिल जाएंगी आपको गैलन्स। वो दोस्तों आपको कंपनी की भी मिल जाएंगी और लोकल भी मिल जाएंगी, तो आपको जो सी लेनी है वो ले सकते हैं। लोकल में आपका मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप भैया अमूल की, मदर डेरी की, वर्डी लाल की, क्वालिटी वॉल्स की, किसी की भी गैलन्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसी सिटी में जहां पर फैक्ट्री है आइसक्रीम्स की, तो उनसे भी आप गैलन खरीद सकते हैं और अपने डीप फ्रीजर के जो कंटेनर है उसमें उन गैलन्स को पलट सकते हैं और स्कूप बना बनाकर सर्व कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड मेथड में होता है आइसक्रीम की मेकिंग, और मेकिंग दोस्तों आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आइसक्रीम को कस्टमाइज करके अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम आप कस्टमाइज करके बेच रहे हैं। उसके लिए आपको दोस्तों चाहिए होगी सॉफ्टी मशीन। सॉफ्टी मशीन दोस्तों पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कौन सी लेनी चाहिए, फिर भी दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर। आजकल जो नए मॉडल आ रहे हैं सॉफ्टी मशीन के, वो दोस्तों बैटरी ऑपरेटेड आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बैटरी ऑपरेटेड लेना चाहिए अगर आप फूड ट्रक में लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों फूड ट्रक का काम ही होता है कि आप आराम से उसको ले लेकर घूम सके और आपको कहीं पर भी एरिया रेंट ना देना पड़े, क्योंकि अगर आप दोस्तों दुकान ले रहे हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आप फूड ट्रक में कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको फूड ट्रक को कहीं पर खड़ा करना पड़ रहा है, तो आपको वहां पर रेंट देना पड़ेगा, और वो आपको तभी करना पड़ेगा जब आपको बिजली की सुविधा चाहिए होगी। तो अगर आपको बिजली चाहिए तो फिर आपको किसी जगह पर उसको लगाकर रखना पड़ेगा, यानी कि फूड ट्रक को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर खड़ा करना पड़ेगा, और उस लोकेशन के, उस प्लॉट के, यानी कि उस एरिया के मालिक से आपको बिजली की सुविधा लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि आप फूड ट्रक में जो भी मशीन लगाइए वो बैटरी ऑपरेटेड हो, या मशीन आप रात भर उसको चलाकर रखें तो दिन भर उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि ग्लाइकोल डीप फ्रीजर लेना, आपको नॉर्मल डीप फ्रीजर नहीं लेना है। तो ये छोटी मोटी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आपको दोनों मेथड समझ में आ गया। मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बता देता हूं, बेसिकली एक प्रो टिप आपको यहां पर दे देता हूं। आप किसी भी मेथड में काम करिए, आप चाहे फर्स्ट मेथड से आइसक्रीम का बिजनेस को स्टार्ट करिए, चाहे आप सेकंड मेथड से आइसक्रीम के बिजनेस को स्टार्ट करिए, आप दोस्तों इन दोनों मेथड के साथ साथ अपना एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि शेक्स का, स्मूदीज का और फालूदा का भी। क्योंकि दोस्तों आजकल गर्मियों में फालूदा का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, फालूदा हो गया, तो आप फालूदा भी रख सकते हैं। आपने दोस्तों बहुत सारे आइसक्रीम के फ्रूट ट्रक देखे होंगे, जैसे मेवाड़ प्रेम हो गया, भोलेनाथ आइसक्रीम्स हो गया, इस तरीके से आइसक्रीम एंड शेक्स, फालूदा, बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लिखा होता है उन आइसक्रीम ट्रक में। तो आप उनके तरह भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और आइसक्रीम्स के बहुत सारे फ्लेवर्स और साथ में दोस्तों ड्रिंक्स भी रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप इन दोनों मेथड्स में से आपको किस मेथड में काम करना है वो आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि दोस्तों उसी हिसाब से आपका जो फूड ट्रक होगा उसका मॉडिफिकेशन होगा। अब दोस्तों बात आती है आपके फूड ट्रक की। तो दोस्तों फूड ट्रक आप कोई भी ले सकते हो, आप ई रिक्शा ले
सकते हो, टाटा एस ले सकते हो, टाटा सुपर एस ले सकते हो, टाटा जिपर ले सकते हो, टाटा जिपर थोड़ी सी छोटी होती है, तो आप इस तरीके का कोई भी ट्रक ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर जो भी ट्रक लेना है आपको नया लेना है, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप नया ही लीजिए, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस फूड ट्रक पे टिका हुआ है। अगर आपके फूड ट्रक में दिक्कत आ गई तो आपका एक दिन का पूरा पूरा धंधा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप उसको लेकर नहीं जा पाएंगे अपनी लोकेशन पे। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनका बजट नहीं होगा क्योंकि 6-7 लाख रुपए की गाड़ी लेने का, तो आप भैया ये ई रिक्शा में भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो आपको एक चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखना है आप, क्योंकि दोस्तों हर किसी को मशीन्स की नॉलेज नहीं होती, इंजन की नॉलेज नहीं होती, तो भैया जो मैकेनिक होता है वो अच्छे से इंजन को देख सकता है, वो गाड़ी के सेल्फ लेने के बाद ही आपको बता देगा कि ये इंजन सही है या खराब है। और दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इंजन को चेक करने के लिए, जहां पर गाड़ी खड़ी रहती है आपने गाड़ी के नीचे झांक कर देख लेना है, कोई भी ऑयल ड्रॉप ना हो रहा हो इंजन का, तो आपका इंजन ऑलमोस्ट ठीक होता है। ये छोटी सी चीज है, ये एक छोटी सी चीज है, मैं मैकेनिक नहीं हूं, फिर आप लोगों के एक्सक्यूजेस आने लगे कि ऐसा ऐसा, तो आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप सेकंड हैंड कोई भी ट्रक खरीद रहे हो या छोटा हाथी खरीद रहे हो तो आप मैकेनिक को ले जाओ, उसको एक दिन की दिहाड़ी दे दो, ताकि आपकी कई दिनों की दिहाड़ी खराब ना हो, उसको एक दिन की दिहाड़ी ले जाकर आप ले जाओ, ट्रक दिखाओ, ट्रक को वो स्टार्ट करे, चलाकर देखे, उसके बाद वो आपको बताएगा कि हाँ ये ट्रक लेना सही है या नहीं, इसका इंजन ठीक है या नहीं। अगर दोस्तों आपने कोई खराब ट्रक ले लिया जिसका इंजन खराब हुआ, तो भैया 35-40 हज़ार रुपए फिर आप इंजन पे लगाओगे, फिर उसको मॉडिफाई कराओगे, तो बहुत ज्यादा ह्यूज आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन दोस्तों आप दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों वेल नोन जो इंडस्ट्रीज होती है जो फूड ट्रक्स को मॉडिफाई करती है, बहुत पुराना उनका काम है फूड ट्रक को मॉडिफाई करने का, आप उनसे करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक दिक्कत है, जब आप किसी फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने फूड ट्रक को मॉडिफाई कराते हैं तो उसमें आपको दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें जो एक्सपेंस आएगा वो 3-3.5 लाख रुपए आएगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट इतना आपको करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है, बजट थोड़ा सा कम है, तो आप लोकल मार्केट में जो लोहे का काम करते हैं, लोहार्स होते हैं, वो भी मॉडिफाई कर देते हैं गाड़ियों को, तो उसमें दोस्तों वो किलो के हिसाब से आपका चार्ज करेंगे। यानी कि आप पहले धर्मकांटा में अपने फूड ट्रक को लेकर जाओगे, धर्मकांटा में बेसिकली फूड ट्रक का वेट किया जाता है, यानी कि ट्रकों का वेट होता है, तो धर्मकांटा में आप अपने ट्रक को लेकर जाओगे, उसका वेट करवाओगे, आपने वेट को एक कॉपी में नोट करोगे, आप लोहार के पास जाओगे, बोलोगे ये वेट है, अब आप इस गाड़ी को मॉडिफाई करो। गाड़ी को मॉडिफाई करने के बाद आपको वापस से उस आपने बने बनाए फूड ट्रक को मॉडिफिकेशन के बाद भी धर्मकांटे में ले जाना पड़ेगा, वेट को निकालना पड़ेगा, और वेट का जो वेरिएशन हो तो उस लोहे का आपको जो चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम दोस्तों फूड ट्रक आपका 40,000 रुपए में तैयार हो जाएगा बनकर, नॉर्मल फूड ट्रक, और आप वेरिएशन देख सकते हैं कहां 3.5 लाख रुपए और कहां 35-40 हज़ार रुपए, तो ये फर्क है, अब आपको डिसाइड करना है। लेकिन हाँ यहां पर एक चीज और बता दूं, जो भैया फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो जिस तरीके से मॉडिफाई करेंगी और जो लोहार मॉडिफाई करेगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन हाँ आप उसके आउटर को अपने हिसाब से फ्लेक्स लगाकर सुंदर कर सकते हैं और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, और इंटीरियर में भी आप अच्छी अच्छी चीजों को लगाकर आप अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये ऑप्शन मैंने सिर्फ उनके लिए बताया जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप लोहार से भी अपने फूड ट्रक को मॉडिफाई करा सकते हैं। तो आप किस मेथड में काम करने वाले हैं उस हिसाब से अपने फूड ट्रक को मॉडिफाई करिए। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिक्वायरमेंट्स की। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, बट जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। तो यहां पर आप फूड ट्रक में काम कर रहे हैं तो आपको फूड ट्रक चाहिए होगा, उसका मॉडिफाई करना होगा। अगर बात करूं फूड ट्रक की तो भैया नया आ जाएगा आपका 6-6.5 लाख के आसपास, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अगर टाटा जिपर लेते हैं तो वो छोटा आएगा। आपको चाहिए होगा ग्लाइकोल डीप फ्रीजर, आप कितने लीटर का ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दो लेना चाहते हैं दो ले लीजिए, एक लेना चाहते हैं एक ले लीजिए। स्टेनलेस स्टील की बॉडी में भी आते हैं और नॉर्मल बॉडी में भी आते हैं, पुरानी वीडियोस में ये ग्लाइकोल डीप फ्रीजर के बारे में भी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेकंड मेथड में काम कर रहे हैं आइसक्रीम को बनाकर बेचने वाले हैं तो आपको एक चाहिए होगी सॉफ्टी मशीन, और साथ में आपको दोस्तों किसी भी मेथड में काम करें आपको एक चाहिए होगा शेकर। शेकर आपको ले लेना है ताकि आप शेक्स भी रख सकें। और दोस्तों मैं यहां पर एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आप मैंगो शेक रखते हो तो भैया आपको फ्रेश मैंगो से ही शेक बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रिजर्वेटिव क्रशेस होते हैं उससे वो टेस्ट नहीं आता, मैंने बनाए हुए मैंने देखे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे ऐसे शेक्स होते हैं जिनको आप आराम से रख सकते हैं, बटरस्कॉच शेक हो गया, चॉकलेट शेक हो गया, ओरियो शेक हो गया, किटकैट शेक हो गया, कैरेमल शेक हो गया, ठीक है, ब्लूबेरी शेक हो गया, ब्लैक करंट शेक हो गया। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे लोग नहीं खाते, लेकिन मैंगो सबके घर में अवेलेबल होता है, इजीली लोगों को मार्केट में अवेलेबल होता है, इजीली लोग उसको खाते हैं। लेकिन अगर आप मैंगो पल्प से नहीं प्रिजर्वेटिव से शेक को बना रहे हैं तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो भैया मैंगो शेक आप देख लीजिए, रखना है तो आप फ्रेश मैंगोज से बनाइए, बनाना शेक अगर आप रख रहे हैं तो फ्रेश बनाना से बनाइए, वरना आप जो कुछ एक ऐसे शेक्स होते हैं जिनको आप
फ्रूट क्रश से बना सकते हैं और अच्छा खासा फ्लेवर आता है उनका। इसके अलावा दोस्तों आप केसर बादाम मिल्क रख सकते हो और फालूदा रख सकते हो। और साथ में दोस्तों मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं और मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें बता देना चाहता हूं ताकि मैं वीडियोस में सब कुछ बता दूं ताकि आप लोग उनमें से कुछ चीजें ग्रैब कर लें और जो जो आपके काम की चीजें वो आप ले लें, जो बेकार है उसे छोड़ दें यार। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप जो भी चीज लो, जो भी इक्विपमेंट लो, वो ऐसा लो जो इन्वर्टर पे ऑपरेटेड हो या फिर दोस्तों आप उसको पूरी रात चलाकर रखें और पूरे दिन उसको ऑफ करके रखें तो कोई दिक्कत ना आए आपके प्रोडक्ट्स में। और अगर आपके ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है तो फिर आपको जनरेटर लेना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 5.5 से 7.5 किलोवाट का। अगर मैं बात करूं होंडा के जनरेटर की तो वो भैया 2.25 लाख के आसपास आता है। नॉर्मल सस्ते भी आपको मिल जाएंगे 1.5 लाख के आसपास, बट वो क्वालिटी नहीं होती है, तो आप होंडा का जनरेटर ले सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कोई भी इक्विपमेंट मत लो जिसके लिए आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जनरेटर से फिर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। और अगर आप इन्वर्टर ऑपरेटेड मशीन ले रहे हैं, सॉफ्टी मशीन भी इन्वर्टर ऑपरेटेड आती है, वो भी आप ले सकते हैं और इन्वर्टर से सॉफ्टी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपने जो फूड ट्रक है उसके छत पे सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। मैं पुरानी वीडियो में गन्ने के जूस वाली वीडियो में भी ये चीज बता चुका हूं, जो गन्ने के जूस बनाने वाली मशीन आती है वो भी आप इन्वर्टर से चला सकते हैं और सोलर पैनल्स ऊपर लगा सकते हैं। तो आप सेम सॉफ्टी मशीन के बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर बात करूं दोस्तों ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो भैया 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे मोटे मोटे इस चीज को करने में। लेकिन अब आपको देखना है कि अगर आपके पास नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट, तो आप भैया सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, सेकंड हैंड मशीन ले सकते हैं। मशीन तो नहीं ले लो कम से कम, अगर गाड़ी सेकंड हैंड ले रहे हो तो भैया गाड़ी में ऑप्शन भी आप जाके मैकेनिक को ले जाकर दिखाकर ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम ज्यादा कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद बात आती है दोस्तों लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स की। तो दोस्तों यहां पर आपको बहुत ज्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए। नॉर्मली दोस्तों आपको सबसे पहले चाहिए होगा FSSAI लाइसेंस, जो कि हर फूड बिजनेस के लिए चाहिए होता है, दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप ये ले लो। इसके अलावा आपको चाहिए होगा GST नंबर की, यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स, आपके पूरी गाड़ी के कागज अप टू डेट होने चाहिए, RC इंश्योरेंस प्रदूषण ये सब कुछ आपके पास अप टू डेट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, आपकी गाड़ी में होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक अथॉरिटी फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी। आप जिस भी सिटी में है वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक स्लिप कटती है, आप वो स्लिप ले सकते हैं। और आपको यह भी पता करना है कि आपकी सिटी में किसी भी तरीके का बैन तो नहीं लगा हुआ है फूड ट्रक्स में, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली नहीं बहुत टाइम पहले की बात है, लखनऊ में फूड ट्रक्स पे बैन लग गया था क्योंकि स्ट्रीट्स में बहुत ज्यादा फूड ट्रक हो गए थे। तो आपको अपनी लोकल अथॉरिटीज में यह सारी क्लेरिफिकेशन ले लेनी है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल्स की, तो दोस्तों रॉ मटेरियल अलग अलग है। आप भैया अगर पैक आइसक्रीम ले रहे हैं तो आप पैक्ड आइसक्रीम ले सकते हैं, कोन में मिल जाएंगे आपको, कॉर्नेटो कोन 20 रुपए के जो 30 रुपए के आप बेचेंगे। कुल्फी आपको मिल जाएगी 8 रुपए की जो आप 10 रुपए की 15 रुपए की बेचेंगे। तो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, ये होगा बेसिक। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपको कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, जैसे कि मिल्क चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा आपको अगर आप सॉफ्टी का बिजनेस कर रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं आइसक्रीम्स को। इसके अलावा दोस्तों आपको कोन चाहिए होंगे, साथ ही में दोस्तों आपको फ्रूट क्रश चाहिए होंगे। बहुत सारे फ्रूट क्रश आपको मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी के फ्रूट क्रश आपको मिल जाएंगे, माला हो गया, मैप्रो हो गया, मनामा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल सप्लायर्स होते हैं जो ये चीजें बनाते हैं, तो आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो आप इंडिया मार्ट पे चेक कर सकते हो। किसी भी कंपनी का फ्रूट क्रश आप ले सकते हो। मैप्रो के थोड़े से महंगे आते हैं, मनामा के ऑलमोस्ट मैप्रो और मनामा के सेम होते हैं और माला के आते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सॉफ्टी प्रीमिक्स चाहिए होगा, प्रीमिक्स भी किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। 140 रुपए से प्रीमिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 250, 350, 300 तक जाते हैं, इससे हाई भी आप ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का लेना चाहते हैं। तो आपको सॉफ्टी प्रीमिक्स चाहिए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी सॉफ्टी की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए उसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं अमूल की। इसके अलावा दोस्तों आइसक्रीम बनने के बाद आपको कुछ एक डेकोरेटिव आइटम चाहिए होंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन, जब आप आइसक्रीम की प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ एक आइटम्स चाहिए होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको चाहिए होंगे जेम्स चाहिए होंगे, सिल्वर बॉल्स ले सकते हैं आप, रेनबो स्प्रिंकल्स ले सकते हैं, कोकोनट स्प्रिंकल्स ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपकी सिटीज में क्या क्या चलता है, आप वो ले सकते हैं। टूटी फ्रूटी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग गुलकंद लेते हैं। अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से काम करना है, बेसिक यही चीजें होती हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको एक भी पॉइंट रिलेवेंट लगा हो, आपके लिए काम का लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज दोस्तों मेरी मेहनत को सफल जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's fake.